उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी 7 मार्च को चुनाव है। ऐसे में 4 और 5 मार्च को वाराणसी में प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कार्यक्रम होंगे प्रधानमंत्री के, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं काशी क्षेत्र के अध्यक्ष बीजेपी के महेश श्रीवास्तव जी। महेश जी, प्रधानमंत्री का ये 2 दिन का कार्यक्रम होगा। 2017 में भी हमने देखा था कि चुनाव के ठीक पहले उन्होंने रोड शो किया था, जनसभाएं की थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है। क्या उनका पूरा रोड मैप है कार्यक्रम का, कहाँ रोड शो होगा और कहाँ पर जनसभाएं होनी है? प्रधानमंत्री जी 4 मार्च को दोपहर 2 बजे मलदहिया चौराहे से एक रोड शो पटेल जी के मूर्ति पर पुष्पार्चन करके चलेंगे। लोहराबीर कबीर चौरा मैदागिन चौक होते हुए प्रधानमंत्री जी विश्वनाथ बाबा के धाम पे इस रोड शो का औपचारिक रूप से समापन करते हुए बाबा का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के उपरांत प्रधानमंत्री जी गोदौलिया मदनपुरा 80 होते हुए BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय जी के मूर्ति पे माल्यार्पण करके वहाँ से रात्रि प्रवास के लिए DLW जाएंगे। फिर 5 मार्च को क्या कार्यक्रम हुआ उनका? 5 मार्च को प्रधानमंत्री जी खजुरी सेवापुरी में खजुरी गांव के स्थित एक बड़े मैदान में, जो खजुरी अपने सेवापुरी और रोहनिया के बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ पे एक बड़ी जनसभा को भी ग्रामीण के विधानसभाओं के लिए वो एक बड़ी जनसभा करेंगे। ये जो रोड शो होगा लगभग कितना किलोमीटर लंबा होगा और इस रोड शो का जो एक रूट बनाया गया है वो किन किन विधानसभा को छू के निकलेगा? हमारी जो औपचारिक तैयारियां हैं वो रोड शो 3 किलोमीटर की ही लगभग है, 3.1 किलोमीटर। ये अपना उत्तरी और दक्षिणी को टच करते हुए ये रोड शो बाबा के धाम तक जाएगा, और उसके बाद स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर अपना प्रतिमा पर जब माल्यार्पण करेंगे तो एरिया अपने कैंट विधानसभा में आता है। क्या लगता है आपको, 2017 में हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री आए और रोड शो किया, जनसभाएं की, तो उसके बाद 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के खाते में चली गई, तो इस बार भी आप लोग कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं? मैं कहूँ तो 5 चरण के चुनाव के बाद ये सपा और बसपा कांग्रेस पूरी तरह से सफाया हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पिछले अपने 325 के रिकॉर्ड को भी दुरुस्त करने जा रही है, और ये 7वें चरण में जो 56 विधानसभा होते हैं, इस रोड शो से 56 के 56 विधानसभा पर प्रभाव पड़ेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है वो रोड शो से सुनामी में परिवर्तित होगी। और वाराणसी के 8 सीट की बात हम नहीं करते, मैं तो पूर्वांचल के सभी सीटों की बात करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के रोड शो से सभी सीटों पर विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जिस दिन आपका रोड शो है, आपकी पार्टी का है, उस दिन समाजवादी पार्टी का भी है, तो वो कहीं आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें उतनी ज़्यादा देर के लिए परमिशन नहीं मिली जितना देर के लिए वो चाहते थे, और ये कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी का इसमें हाथ है। उनको अपनी क्षमता का एहसास है, अपनी ताकत का एहसास है, वो सुनियोजित ढंग से अपने को बचाव कर रहे हैं। जब उनको मालूम था कि प्रधानमंत्री जी की रोड शो 4 तारीख को 5 दिन पूर्व ही तय हो चुकी है, तो फिर उस दिन उनको शाम को रोड शो के लिए क्यों अप्लाई करना? आपको अपना ताकत दिखाना था तो आप 1 दिन पूर्व 1 दिन बाद भी कर सकते थे। लेकिन काशी में जो काशी की जनता है वो अखिलेश जी को भी मालूम है कि वो किसके साथ है, और देश की जनता और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की जनता किसके साथ है ये अखिलेश जी को भी मालूम है। सपा के जनसभा में पुलिस के कुछ कांस्टेबल थे, उन पर सपा के कार्यकर्ता लाठी चलाते हुए दिखाए गए, देखे गए कि वहाँ पर मारपीट हो रही थी, वो लाठी चला रहे थे। आप सोचिए
कि अभी 2017 से सत्ता से बाहर हैं, तब इतनी गुंडागर्दी, तब इतनी अराजकता। जो अब ये सत्ता में आएंगे कभी, तो 2017 के पहले का जो स्वरूप था, माफियाओं का राज, आतंकियों का राज्य, देशद्रोहियों का राज्य, और सामान्य जन, गरीब, वंचित, शोषित, दलित का जो सामान्य वर्ग है 80%, उनके साथ अत्याचार, उनके साथ दुराचार, उनके साथ हर तरह का अपमान करने की इनके स्वभाव में है। अभी जब सत्ता में नहीं है तब इतना लाठी चला रहे हैं, सत्ता में होंगे तो क्या करेंगे। इस बात को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जानती है, और इसलिए अखिलेश जी इस समय अपना आपा खो चुके हैं, उनके कार्यकर्ता आपा खो चुके हैं, और गलत कार्य की तरफ वो अग्रसित हो रहे हैं। तो ये थे काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव, जो बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो होगा, जनसभाएं होंगी। जाहिर सी बात है इसका असर सिर्फ काशी में नहीं बल्कि पूर्वांचल के उन सीटों पर भी पड़ेगा जहां पर 7 मार्च को चुनाव होने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विविन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8, वाराणसी।